नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को 25 दिन में भी बरामद नहीं कर सकी पुलिस। थाना बीदनू पुलिस 25 दिनों के बाद भी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को नहीं बरामद कर सकी। पीड़ित महिला सत्यवती का आरोप है कि पुलिस ने सांठ गांठ कर लिया है, इसीलिए मेरी बेटी को बरामद नहीं कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि तुम खुद ढूंढो। मुकदमा अपराध संख्या 206/23 धारा 363 और 366 व 380 व 504 और 506 ICC थाना बीदनू में आरोपी अरुण आकाश बब्बन के खिलाफ नामजद दर्ज है, फिर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित महिला ने ईमेल ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर सहित आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर आरोपियों को गिरफ्तार कराकर नाबालिग लड़की को बरामद करने की गुहार लगाई है। इंडिया न्यूज 28 को बयान देते हुए पीड़ित महिला ने थाना विद्रोह पुलिस के खिलाफ रफा दफा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला सत्यवती ने पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की उम्मीद लगा रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर से न्याय मिलेगा, बेटी बरामद होगी। कानपुर से कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ संवाददाता हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या तारीख की घटना है? मेरा नाम सत्यवती है। हमारी लड़की को 5 तारीख को बब्बन अरुण आकाश बहला फुसला के वो लोग ले गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं। नौबस्ता थाना में भी 10-15 दिन चक्कर लगा, अभी कोई मतलब सुनवाई नहीं। अब बिदनू थाना मेरा मुकदमा भी दायर हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस क्या करे? बिदनू के जो चौकी इंचार्ज है विवेचक अखिलेश पांडे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी मतलब जो है जाइए, आपका कार्रवाई हो जाएगी। 15 दिन हो गया है, महीना भर होने वाला, अभी तक कोई पता नहीं। आप पता चले तो बताइएगा। पुलिस नहीं ढूंढ रही? नहीं, पुलिस नहीं ढूंढ रही। आपको क्या लग रहा है, क्या पुलिस मिल तो नहीं गई अपोजिट पार्टी से? गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही लग रहा है। उन लोगों ने पैसे भर दिया है तो इसी वजह से कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है जो अखिलेश पांडे जो जांच कर रहे हैं इस मुकदमे की, वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो आपसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, काम आपका होगा कि नहीं होगा? वो ये कह रहे थे होगा काम। कब होगा? अब यही नहीं कह रहे हैं कि अब आपका काम होगा, आप परेशान मत होइए। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। मेरा मुकदमा भी लिखा है, दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी से और माननीय आप पुलिस कमिश्नर साहब से क्या मांग करती हैं? हमें यही भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, अपराधियों को भी मतलब सजा दिलाएंगे और जो पुलिस वाले हैं उनको भी मतलब वो करेंगे। दोषी है पुलिस जी। हम इंडिया न्यूज 28 से संवाददाता हामिद हुसैन ये बताना चाहते हैं, ये जो महिला ऑलरेडी खड़ी है सत्यवती, इसकी बेटी को लापता जिन आरोपियों ने किया है 25 दिन बीत चुके हैं। कुछ दिन नौबस्ता पुलिस चक्कर लगवाती रही, बाद में कमिश्नर साहब के आदेश पे इस गरीब का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा बैला फुसला कर अपहरण का और सामान जो घर से गया है उसका दर्ज हुआ गंभीर धाराओं में, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। मुकदमे के विवेचक अखिलेश पांडे जी हैं जो कि कह रहे हैं काम होगा, काम कब होगा? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और महिला को धमकी भी दे रहे। महिला ने आज फिर से ईमेल और ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी